अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स में बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपके और हमारे बर्ड्स को नज़र बद से महफूज रखे। आज मैंने अपने एवरी का विज़िट करवाना है। मैंने आपसे कहा था इंशाल्लाह मैं अपनी एवरी का आपको विज़िट करवाऊँगा, तो ये मेरी एवरी नंबर 2 है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एवरी नंबर 1 में भी जाएँगे। तो ये है मेरा अल्बाइनो ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ का पेयर है माशाल्लाह, और इन्होंने एग भी लिंक किए हुए हैं माशाल्लाह, इन्होंने एग दिए हुए हैं। ये माशाल्लाह 12 तारीख को। इसी तरह माशाल्लाह इसमें केज नंबर 22 है, इसमें बच्चे भी आए हुए हैं और तकरीबन सेल्फ होने वाले हैं। ये है माशाल्लाह। ये फोस्टर पेयर है मेरे माशाल्लाह, ये भी फोस्टर पेयर है, इन्होंने भी बच्चे दिए हुए। ये है माशाल्लाह, ये शरारती बहुत है, बाहर निकल आते हैं। एक बच्चा आपको नजर आ रहा होगा, वो है देख रहे हैं। तो ये शरारती काफ़ी हैं और बाहर निकल आते हैं, हालांकि अभी सेल्फ भी नहीं हुए पूरी तरह। ये मैंने उठा लिया है, इसको बॉक्सेस में डालते हैं। ये दोनों बड़े हैं, ये नीचे आ भी जाते हैं और वापस ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन ये ज़रा छोटा है तो इसलिए। ये कुछ लेटिनो के पेयर हैं, सर आपको अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पूरा पेयर है और ये पेयर रेडी होने वाला है इंशाल्लाह। इसी तरह इस तरफ आ जाए तो ये मेरा यूविंग ऑफ लाइन का पेयर है माशाल्लाह, स्प्लिट हैं यूविंग के, और इन्होंने भी माशाल्लाह चिक्स दिए हुए हैं, देख रहे हैं माशाल्लाह। और यहाँ कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल देखें, ये मादा बैठी है और बिल्कुल तैयार है अंडे देने के लिए। जगह इसने खूबसूरत बना रखी है। दोस्तों मैं आपसे दरख्वास्त कहता रहता हूँ ना कि आप इस तरह वो बनाया करें, जो है नेस्टिंग इस तरह किया करें। ये देखें इन्होंने दोनों चारों तरफ जो है ना ऊँची है और दरमियान नीचे है, तो बर्ड्स जो है ना ऐसे ही अपनी वो बनाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये पेयर भी अंदर बैठा, ये फोस्टिंग पेयर है, ऊपर वाला भी फोस्टिंग पेयर था और ये भी माशाल्लाह फोस्टिंग पेयर है। इन्होंने माशाल्लाह एग दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। ये मेरे फोस्टिंग पेयर हैं, इन्होंने 9/10 को दिए हैं एग। इसी तरह यहाँ भी, ये भी फोस्टिंग पेयर है, इन्होंने कोई लेंग नहीं की। ये फोस्टिंग पेयर हैं, बिल्कुल तैयार हैं, मादा लोडेड है। और ये यहाँ पहले दिखाएँ तो सिर्फ दूर से पता नहीं चलता। तो ये है माशाल्लाह, ये अंदर गए हुए हैं, इनको हम देख लेते हैं। अच्छा जी माशाल्लाह, ये फीमेल भी लोडेड है। तो दोस्तों ये थी मेरी एवरी नंबर 1, जिसमें मेरे तकरीबन नहीं कुछ और भी रहते हैं, ठीक है। ये अल्बाइनो ब्लैक आइज का पेयर है, ये माशाल्लाह अडल्ट हैं, बस इन्हें बॉक्सेस देने हैं, इन्हें अभी मैंने बॉक्स नहीं लगाया। और इसी तरह ये भी अल्बाइनो ब्लैक आइज स्प्लिट रेड आइज, ऊपर वाला भी और ये भी,
माशाल्लाह, ये भी अच्छा पेयर है। इन्होंने भी नेस्टिंग मुकम्मल कर रखी है, देखें बस, ये भी इंशाल्लाह रेडी है। और ये मेरा पेयर है फोस्टिंग का, फोस्टिंग पेयर है ये मेरा, माशाल्लाह। तो इन्होंने भी तकरीबन नेस्टिंग मुकम्मल कर रखी है। तो दोस्तों ये एवरी नंबर एक थी, अब हम एवरी नंबर दो की तरफ चलते हैं। ये मेरी एवरी नंबर दो है, यहाँ बहुत सारे पेयर थे जो मैंने सेल आउट कर दिए हैं, कुछ पैसे भी ज़रूरत थे। माशाल्लाह ये जो पेयर है ये सिर्फ स्प्लिट हैं, मतलब है ब्लू फिशरी हैं। और इसी तरह ये पेयर है माशाल्लाह, ये अल्बाइनो ब्लैक आइस स्प्लिट रेड आइस के हैं, माशाल्लाह ये मादा भी बिल्कुल तैयार है, लोडेड है। और उस दिन मैंने इनके एग जो है पोस्टिंग किए हैं, तो ये वाला जो पेयर है ये अल्बाइनो ब्लैक आइस स्प्लिट रेड आइस है, माशाल्लाह ये इनके भी जो है ना रेड आइस देते हैं माशाल्लाह, ये वाला पेयर रेड आइस देता है माशाल्लाह। और इन्होंने अभी इनके अंडे मैंने फोस्टिंग किए, इन्होंने रेड आइस दिया माशाल्लाह, इन्होंने रेड आइस दिया। ये मेरा पेयर है अल्बाइनो ब्लैक आइस स्प्लिट रेड आइस का, और इससे बच्चे मैं खुद पलवा रहा हूँ, और इन्होंने भी एक बच्चा अल्बाइनो रेड आइस कर लिया। ये माशाल्लाह चार बच्चे हैं और इनमें एक रेड आइज भी है। ये बच्चा माशाल्लाह रेड आइज का है। रेड आइज की आंखें जो है ना पहले से ही पता चल जाता है, ये माशाल्लाह देखो माशाल्लाह। बाकी तीनों ब्लैक आइज हैं और एक रेड आइज है। इसी तरह ये फोस्टिंग पेयर है मेरा, यहाँ पे भी ये फोस्टिंग है, लुटिनो ग्रीन लुटिनो है, और ये भी फोस्टिंग पेयर है। इन्होंने माशाल्लाह बच्चे दे रखे हैं, इनके अपने भी हैं और इसके साथ जो है ना अल्बाइनो ब्लैक आइज भी है। ये भी फोस्टिंग पेयर है मेरा दोस्तों, इनके पास भी बहुत सारे बच्चे हैं माशाल्लाह, चार बच्चे हैं। इनमें भी एक अल्बाइनो रेड आइज है, ये वाला माशाल्लाह, ये अल्बाइनो रेड आइज है। अभी नोनो बच्चा आया है अभी, ये वाला। तो आप साइजिंग भी मुकम्मल किया करें, देखें दूसरे बच्चे बड़े हैं तो वो छोटा है, तो उसकी साइजिंग भी किया करें, इससे बड़ा फ़ायदा होगा, बच्चे मरते नहीं हैं। ये अल्बाइनो रेड आइज का पेयर है, पहले मैंने इनकी फोस्टिंग कर दी थी, अब ये दोबारा इन्होंने अंडे दिए हैं माशाल्लाह। इसका मेल बाहर बैठा हुआ, फीमेल अंदर है। यहाँ मेल बैठा हुआ भाई, ये है मेल माशाल्लाह। इसी तरह ये अल्बाइनो अल्बाइनो रेड आइज इनटू क्रीमिनो का पेयर है माशाल्लाह, इन्होंने भी लेग दी हुई है, लिंक किया हुआ माशाल्लाह। ये पेयर सेटिंग पे है अल्बाइनो, ये है क्रीमिनो और डेकिनो का। माशाल्लाह यहाँ भी क्रीमिनो और डेकिनो का पेयर है, इन्होंने लेग किए हुए माशाल्लाह, इन्होंने पांच अंडे दिए हुए और माशाल्लाह सारे फर्टाइल। यहाँ एक मेरी फीमेल थी जो अल्बाइनो रेड आइज थी, वो एक्सपायर हो गई
तो अब मैंने इसे ब्लैक आइज़ के साथ लगाया है। स्प्लिट रेड आइज़ की फीमेल है, ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़, और मेल जो है रेड आइज़ है। तो ये पेयरिंग है यहाँ पे, ये पार ब्लू एंड अल्बाइनो रेड आइज का पेयर है माशाल्लाह। ये सामने बैठा ये भी इंशाल्लाह फर्स्ट, ये कर रहे हैं तैयारी। यहाँ पे भी मैंने पोस्टिंग दी हुई है। यहाँ ये सारे बच्चे जो हैं वो ब्लैक आइज हैं माशाल्लाह, तो बाइन ऑफ ब्लैक आइज स्प्लिट रेड आइज के। माशाल्लाह आपने चेक करना है, एक दोन छोड़ के एक दिन के बाद इनको फीड सही करवा रही है फीमेल या नहीं, ये देखें माशाल्लाह। तो आपने ये ज़रूर चेक करना है, क्योंकि फीमेल अगर फीड सही नहीं करवाएगी तो चिक्स का एक्सपायर होने का ख़तरा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरी छोटी सी एवरी थी जिसका विज़िट मैंने आपको करवाया। दोस्तों इसी तरह मैं अच्छी वीडियो बनाता रहता हूँ, आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। बारकल्लाहु लक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।